राजधानी जयपुर के भोजपुरा गांव में एक छोटा सा बच्चा जिसकी बोरवेल में सांस अटकी है। सुबह से 200 फीट गहरा बोरवेल था जिसके अंदर बच्चा गिर गया, जो कि 70 फीट पर जाकर अटक गया है। तमाम तरीके के प्रशासन और जो बचाव राहत कार्य हैं वो यहां पर चल रहे हैं। SDRF की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। तमाम तरीके के जो कार्य हैं वो बचाव के लिए किए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि बच्चा जो है उसको बचाने की कवायद जारी है। सुबह से उसको ऑक्सीजन, पानी जैसी व्यवस्थाएं उनको पहुंचाई जा रही है। बच्चे से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल, हालांकि 5 से 6 घंटे हो गए, लेकिन अभी किसी तरीके का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और कोई किसी तरीके की कोई सफलता नहीं मिली। आप इधर देखेंगे कि जो प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं वो यहां पर बैठे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया यहां पर पहुंचे हैं, कलेक्टर जो है प्रकाश राजपुरोहित हैं, एडिशनल SP दिनेश शर्मा जी हैं, डिप्टी मुकेश चौधरी हैं, सब लोग यहां पर पहुंचे हैं। मैं कृषि मंत्री कटारिया जी से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कटारिया जी, सुबह से बचाव राहत कार्य चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या कुछ ध्यान में आया अभी तक? देखिए, रेस्क्यू का काम चल रहा है। SDRF और NDRF की दोनों टीमें यहाँ मौजूद है, कलेक्टर साहब बैठे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि जैसा SDRF और NDRF ने बताया है कि उसके एक हाथ में एक रिंग पहुंच गई है, दूसरे हाथ में रिंग डालने की कोशिश की जा रही है। बच्चा बोल रहा है, लिक्विड ले रहा है, लगातार उससे बातचीत जारी है, तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि कुछ समय में सफलता मिलेगी। मंत्री जी, लेकिन इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन किसकी लापरवाही मानी जाए, क्योंकि इस तरीके के बोरवेल खुले में रखना और इस तरीके की क्या कोई आगे भी एक्शन लिया जाएगा इन चीजों पर? देखिए, सरकार प्रोग्राम लगातार चलाती रहा है, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस का प्रोग्राम सरकार पिछले कई वर्षों से चला रही है। पर चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में ये चलता है, अब ये जैसे ननियाल था, ये बच्चा जो लक्की है, ये अपने ननियाल में 3 दिन पहले आया था, खेलते कूदते इस बोर में चला गया, तो अब ये तो लोगों को जागरूक सरकार करती रहती है हमेशा, पर ना अब लोगों को भी इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात सही है कि लापरवाही की वजह से एक जान उसमें फंसी हुई है, और जो बार बार दुर्घटनाएं होती है, तो सरकार अपना काम करती रहती है, पर लोगों को भी इसमें जागरूक रहना चाहिए। मंत्री जी के साथ में यहाँ पर खुद कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित जी यहाँ पर पहुंचे, कौन कौन सी टीमें यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर पहुंचे, किस तरीके का कार्य, बचाव राहत कार्य चल रहा है? ये सिविल डिफेंस, SDRF, NDRF तीनों टीमें मिलकर रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रही हैं, और जो बच्चा गिरा है 70 फीट की गहराई में है, उसको हाथ से लॉक करके और पैरों में एक क्लिप डाल के उससे निकालने का प्रयास अभी किया जा रहा है। लगता है कि अगले 4-5 घंटे में बच्चे को बाहर सकुशल निकाल लिया जाएगा? प्रयास है कि जल्दी बच्चे को निकाल लिया जाए, और कुछ सफलता इसमें अभी मिली है। एक बच्चे के हाथ भी लॉक हो गया है, और साथ में खाने पीने का जो है बच्चे को सामान लगातार पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में बच्चे के लिए की गई है। फिलहाल सकुशल है? बिल्कुल, बच्चा सकुशल है, बातचीत कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी भी हैं, आपको किस तरीके की सूचना मिली थी और किस तरीके किसने सूचना दी कि इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है? सुबह पुलिस थाने से सूचना मिली थी, जैसे ही सूचना मिली पुलिस का दल यहाँ पर पहुंचा, पुलिस SHO यहाँ, ACUI में भी यहाँ पहुंचा, SDRF NDRF को गया, प्रशासन के अधिकारी, लोकल SDM और वो तुरंत यहाँ मौके पर आए। हमने करीब 9 बजे पहले ही काम इसके रेस्क्यू का चालू कर दिया था, तब से NDRF SDRF दोनों टीमें काम कर रही है, लगातार बच्चे को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बचाव राहत कार्य चल रहा है, ग्रामीण भी यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, हालांकि उनको दूर रखा जा रहा है जिससे कि किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। उनके घर वाले भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, क्यों हुआ और किस तरीके से, कहाँ से बच्चा आया था, कौन से स्कूल में पढ़ता था, ये भी सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे उनके। देखिए, ये जो यहाँ पर कोशिश है वो यहाँ पर SDRF के द्वारा की जा रही है। तमाम ये वो टीम है जो नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना देती है, और हमेशा SDRF को जहाँ पर याद किया जाता है वो तुरंत प्रभाव में आती है और कार्य में जुट जाती है, और कभी भी बहुत ही कम देखने को मिला है कि जहां पर SDRF की टीम हो और वहां पर काम पूरा नहीं हुआ हो। देखिए, यहां पर उनके परिवार से भी अभी कुछ लोग मौजूद थे, उनके परिवार से कौन है? अच्छा, आप उनके परिवार से हैं क्या? अच्छा, क्या कैसे गिरे, उनके ताऊ हैं ये, कैसे गिर गया बच्चा, क्या कुछ कारण था? नाना जी कन रहता, तो मां कन तो पिछवे है जा, वो कांटी को सामान के लिए जा रही जो ऐसे वो किया गिरी हो कहीं पहली बाजार से भूल ले जो। तो ये बोरिंग कब से खुला था, क्या इसको डकाने गया था, किसी से कुछ कहा गया था? 5-4 महीने से खुलो जो लखेड़ो बाठो में लड़ो पत्थर में लड़ो जो। कहाँ पढ़ता था बच्चा? किरण में पढ़े जो अंगने। अच्छा, अब परिवार में सबको बताया गया है कि ठीक हो जाएगा, निकाल लिया जाएगा।